दोस्तों, ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, इस बिल्डिंग में रहते हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आदित्य पंचोली। जी हाँ, ये अभी यहाँ पर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शमीम व्लॉग वीडियोस में। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आदित्य पंचोली जी का घर, वो कहाँ पर रहते हैं और कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं, उनकी बिल्डिंग का नाम, उनकी बायोग्राफी आज की वीडियो में सब बताने वाला हूँ। दोस्तों आप सोच रहे होंगे आदित्य पंचोली को तो वैसे आप सब जानते होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि उन्होंने काफ़ी सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जैसे कि संजय दत्त सर के साथ वो आतिश फिल्म में नज़र आए थे और सलमान खान सर के साथ वो बॉडीगार्ड फिल्म में भी नज़र आए थे, जिसमें उन्होंने विलन का रोल अदा किया था। दोस्तों उसके साथ और भी उनकी काफ़ी सारी फिल्में, जैसे कि अंश, साथी। साथी फिल्म मेरी फेवरेट फिल्म है दोस्तों, मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ। तो दोस्तों उनका घर कहाँ पर है, उनकी बायोग्राफी, उनके घर का एड्रेस आज की वीडियो में मैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और लेकर चलते हैं आपको आदित्य पंचोली जी के घर के पास। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आदित्य पंचोली सर के बिल्डिंग के पास। जैसे कहा, मैं ये मेरे बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग देख रहे हो दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पर जो है ना पेड़ जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं। फ्रंट के व्यू आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं भी थोड़ा पास से जाकर आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसी बिल्डिंग में रहते हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आदित्य पंचोली। तो दोस्तों इनका जो घर का एड्रेस है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा और इनकी बायोग्राफी भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलो हम आपको बताते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। बात करते हैं आज एक ऐसे कलाकार की जो बड़े ही अनोखे कलाकार रहे, जिन्होंने हीरो की एक्टिंग करी और विलेन की भी, जिनका नाम है निर्मल पंचोली, जिन्हें हम आदित्य पंचोली के नाम से जानते हैं। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ 4 जनवरी 1965। बात करें इनके मम्मी पापा की तो इनके पापा का नाम है राजन पंचोली और माँ का नाम है अरुणा पंचोली, और इनकी एक बहन है और दो भाई है। बात करें इनकी पढ़ाई की तो इनकी पढ़ाई हुई सेंट जोसेफ हाई स्कूल मुंबई जुहू से। इनका असली नाम निर्मल पंचोली है। बात करें इनके करियर की तो एक बार ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और एक डायरेक्टर की नज़र इन पर पड़ी और इनकी खूबसूरती देखकर फिल्म में कास्ट करने के लिए प्रपोज किया, टेलीविज़न में कास्ट किया, और वो मलिक थे, मतलब स्टार डस्ट मैगजीन के ऑनर नारा हीरा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर ये फिल्मों के कलाकार बनेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत करी 1985 में फिल्म सादात से। इंडस्ट्री में इनका नाम रखा गया आदित्य पंचोली। काफ़ी फिल्म में काम किया, जैसे सोने का पिंजरा, कलंक का टीका। ये नज़र आए फिल्म दयावान में विनोद खन्ना और फिरोज खान के साथ, जिसमें इनके ससुर बने थे विनोद खन्ना और सास बनी थी माधुरी दीक्षित। काफ़ी फिल्में हिट रही और कई फिल्म फ्लॉप भी रही, और आगे चलकर इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, जैसे अमिताभ बच्चन, देवानंद, आमिर खान, और इनकी फिल्में रही आतिश। आगे चलकर इन्हें समझ में आ गया के हीरो के तौर पे ये आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये सपोर्टिंग रोल्स में भी नज़र आने लगे, जैसे यस बॉस, हमेशा। इसी बीच इनकी मुलाकात हुई एक ऐसी एक्ट्रेस से जो इन्हें उम्र में बड़ी थी, नाम जरीना वहाब, और फिर 1986 में इन्होंने जरीना वहाब से शादी कर ली। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, एक बेटा है, बेटे का नाम है सूरज पंचोली, और एक बेटी है और बेटी का नाम है सना पंचोली, और ये इसी बंगले में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। दोस्तों आपने काफ़ी सारी वीडियो यहाँ की देखी होगी। तो दोस्तों जैसे कि आज मैंने आपको दिखाया है आदित्य पंचोली सर का घर, वो कहाँ पर रहते हैं, कौन से फ्लोर पर रहते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। दोस्तों इनकी जो बिल्डिंग का नाम है वो है सी किंग, और इनकी बिल्डिंग का जो एड्रेस है वो है मुंबई बांद्रा वेस्ट में बैंड स्टैंड, जो कि बहुत ही फेमस एरिया है बैंड स्टैंड का। और अगर मैं आपको बता दूँ, ये जो आप रोड देख रहे हो ना, सीधा ये जा रहा है मन्नत हाउस, जो कि शाहरुख खान सर का घर है। थोड़ी सी आगे मुश्किल से मुश्किल 50 कदम चलोगे तो आपको शाहरुख खान सर का वो बंगला मिल जाएगा देखने के लिए। और अगर आप राइट साइड की तरफ का रोड देखोगे तो इधर अगर आप जाते हो तो इधर आपको देखने के लिए मिलेगा सलमान सर का गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहाँ पर सलमान खान सर रहते हैं। इन दोनों के बीच में ही अगर आप आते हो
तो इस रोड पर आपको देखने के लिए मिलेगा आदित्य पंचोली सर का। इसी बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर पर रहते हैं हमारे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आदित्य पंचोली, जिन्होंने काफ़ी सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया है आदित्य पंचोली सर का घर, वो कहाँ पर रहते हैं, उनके घर का एड्रेस, उनकी बायोग्राफी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कहीं नई लोकेशन और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, टाटा, बाय बाय, आई लव यू एवरीबॉडी।